हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर पार्क का हमें पेरीमीटर दिया गया है 320 मीटर। हमें इस स्क्वायर पार्क का एरिया निकालना है। देखिए, अब पार्क कैसी शेप का है? स्क्वायर शेप का है, ठीक है। और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है? साइड इंटू साइड। तो यानी हमें स्क्वायर पार्क का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर पार्क की साइड पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम साइड निकालेंगे। तो देखिए, दिया गया है पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 320 मीटर, ये हमें दिया गया है। देयरफॉर साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो सबसे पहले हम स्क्वायर पार्क की साइड निकालें। तो देखिए, जब भी स्क्वायर में हमें पेरीमीटर दिया गया हो और साइड निकालनी हो, तब हम पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी पेरीमीटर अपॉन में 4, ठीक है। पेरीमीटर क्या दिया गया है? 320, तो 320 अपॉन में 4, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 × 4, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 8 = 32 और फिर 0, क्या आ गया? 80 मीटर। तो स्क्वेयर पार्क की साइड आ गई 80 मीटर, ठीक है। तब हमें साइड पता चल चुकी है, तो अब हम एरिया निकाल लेंगे। तो देखिए, देयरफॉर एरिया ऑफ द स्क्वेयर पार्क, तो स्क्वेयर पार्क का एरिया निकालना है। तो पार्क स्क्वेयर शेप का है, ठीक है। तो स्क्वेयर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। साइड हमें पता है कितनी है? 80 मीटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 80 मीटर इंटू 80 मीटर। अब देखिए, 80 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6400। और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वेयर। तो स्क्वेयर पार्क का एरिया कितना आया? 6400 मीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वेयर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें दिया है 440 मीटर स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हमें दी है 22 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ निकालनी है और आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का हमें पेरीमीटर भी निकालना है। तो देखिए, जो दिया गया है पहले उसे लिख लेंगे। दिया गया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वेयर, ये हमें दिया गया है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 22 मीटर, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ हमें दी गई है 22 मीटर। तो देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो हमें देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ निकालनी है। क्या करेंगे? देखिए, एरिया को हम लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यानी एरिया अपॉन में लेंथ, ठीक है। एरिया क्या दिया गया है? 440 अपॉन में लेंथ 22, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों 22 से डिवाइड हो रहे हैं, 22 × 22, और 440 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा, यानी 20 मीटर। ये क्या आ गई? रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ हमने निकाली। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है? आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब हमें इसका पेरीमीटर भी निकालना है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, अब हम रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर निकाल रहे हैं। देखिए, प्लॉट कैसी शेप का है? रेक्टेंगुलर शेप का है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2 × (length + breadth), ठीक है। देखिए, 2 as it is लिखा, फिर इंटू लेंथ दी गई है 22 मीटर, 22 मीटर प्लस ब्रेथ हमने अभी निकाली, कितनी आई? 20 मीटर, ठीक है। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 × (as it is) लिखा, 22 + 20 कितना हो जाएगा? इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 42 मीटर, ठीक है। अब 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 84 मीटर। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर कितना आ गया? 84 मीटर। तो हमें यही करना था, हमें ब्रेथ और पेरीमीटर निकालना था रेक्टेंगुलर प्लॉट का, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।